पानीपत अमर भवन चौक स्थित श्री हरि मंदिर में श्री सनातन धर्म से जुड़ी संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ विभिन्न मंदिरों से जुड़े पुजारी, ज्योतिषाचार्य, विद्वान और ब्राह्मणों की मीटिंग हुई। आपको बता दें कि मीटिंग में संवत 2078 में मनाए जाने वाले त्योहारों व पर्व की सूची तैयार की गई है, ताकि कोई भी पर्व एक ही दिन रीति रिवाज से मनाया जाए और समाज में त्योहार मनाने को लेकर किसी तरह की ये भ्रांति न फैले। इसलिए स्थानीय विद्वानों ने दूसरे प्रदेशों के विद्वानों से संपर्क कर पर्व की सूची को फाइनल किया है। बताते चले कि इस दौरान एकमत से नए देसी साल के दौरान मनाए जाने वाले पर्वों की सूची फाइनल करते हुए कहा कि अब की बार कोई भी त्योहार दो दिन नहीं मनाया जाएगा। इसलिए पहले की भांति किसी तरह का समाज में इस तरह का संशय ना रहे कि अमुक पर्व आज नहीं कल है। अब की बार समाज में इस तरह का संदेश जाए कि संवत 2078 में मनाए जाने वाले सभी त्योहार पूरे जिले में एक ही दिन मनाए जाए। इसकी व्यवस्था मीटिंग में आए सभी मंदिरों से जुड़े पुजारियों, ज्योतिषाचार्य और सनातन धर्म संस्था से जुड़े पदाधिकारियों और विद्वानों को करनी होगी। सनातन धर्म संस्था के प्रधान ने बताया कि अब की बार जो सूची तैयार की गई है उसका प्रकाशन कर जिले की सभी संस्थाओं और मंदिरों व विद्वान ब्राह्मणों को उपलब्ध करा दी जाएगी। वही पंडित वेद पाराशर ने बताया कि अब की बार जो सूची तैयार की गई है उसके लिए देश के अन्य हिस्सों में बैठे विद्वान ब्राह्मणों से भी विचार विमर्श किया गया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि नए संवत 2078 की पर्व सूची में कोई भी त्योहार दो दिन नहीं मनाया जाएगा। तैयार सूची में सभी पर्वों को मनाने के लिए एक दिन निश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि पर्वों की तैयार की गई सूची को विदेशों में बैठे अपने अनुयायियों को भी भेजा जाता है, ताकि वह भी देश में मनाए जाने वाले त्योहारों को उसी दिन विदेश में बैठकर मना सके। श्री सनातन धर्म संगठन रजिस्टर्ड पानीपत के द्वारा नव संवत के लिए जो पर्व सूची तैयार होती है उसके अनुमोदन के लिए ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें कि पूरे पानीपत जिले से सभी विद्वान ब्राह्मण, सभी मंदिरों के पुजारी, सभी ज्योतिषाचार्य, जो भी इस जो ज्योतिष कार्य से या पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, उन सभी को, विद्वानों को बुलाकर यहाँ पर्व सूची का अनुमोदन किया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में नव संवत के बाद नए साल में कोई भी इसी किसी भी तरीके की किसी भी त्यौहार को दो बार मनाने की या कुछ भी कोई भी ऐसी कंफ्यूजन ना हो कि सर्वसम्मति से इस यहाँ पर सूची के अनुमोदन के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। और सभी ब्राह्मणों से विनम्र प्रार्थना भी ये की गई है कि जो भी सूची अब तैयार हो रही है उसमें जो भी समय मुहूर्त, जो भी समय तिथि मुहूर्त है वो आज तय कर दी जाएगी, जिससे कि आम पब्लिक को, शहर की जनता को, सनातन धर्म संगठन से जुड़े सभी पूरे समाज को कुछ ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति ना हो कि कोई भी त्यौहार एक बार या दो दिन में मनाया जाए, यही ये लक्ष्य है। और इसी के उद्देश्य से सनातन धर्म संगठन रजिस्टर्ड पानीपत द्वारा ये आज मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें पानीपत जिले के कितने मतलब अनुयायी, कितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जो इस पर विचार विमर्श करके एक सूची फाइनल करेंगे? कुल मिला के जो विद्वान ब्राह्मण ज्योतिषाचार्य यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उनकी संख्या 280 से लेके 300 तक है, जो कि सभी मंदिरों से और जो समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। वर्ष होता है, कई त्यौहार दो बार भी मनाए जाते हैं, उनको लेकर के असमंज की स्थिति रहती है, फिर भी कोशिश रहती है सनातन धर्म की कि भी इस तरह का कोई विवाद किसी त्यौहार का ना हो, तो उसके लिए किस तरह के प्रबंध किए गए हैं, किस तरह के किन लोगों, विद्वानों को बुलाया गया है ताकि वो लोग एक फाइनल सूची बना सकें? देखिए, सनातन धर्म संगठन ने अब की बार इस विषय पर बड़ी गहनता से और चिंतन किया है। सभी सम्मानित सदस्य, हमारे प्रधान किशन रेवड़ी जी, मुरारी जी, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे मदन जी, हमारे युद्धवीर जी, सभी लोगों ने एक मीटिंग रखी थी इससे पूर्व कि किस प्रकार से दो त्यौहार मनते हैं। इसका बड़ा भारी रीज़न है, मैं सभी पत्रकार बंधुओं को मीडिया के माध्यम से नगर को ही बताना चाहूँगा कि अक्षांश देशांश में फ़र्क होता है। कई बार अक्षांश देशांश दिल्ली का लिया जाता है, कई जगह उज्जैन का लिया जाता है, उसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी रही। लेकिन अब की बार सनातन धर्म संगठन ने पहली बार एक ऐसी योजना बनाई थी कि बाहर के विद्वान ब्राह्मण भी, चाहे वो हमारे पानीपत से हों, दिल्ली से हों, उज्जैन से हों, सभी ब्राह्मणों की साथ सलाह करके अब की बार ये विद्वान ब्राह्मणों को इकट्ठा करके सर्वसम्मति से ये सूची बनाई गई है। ऐसा पहली बार होगा कि नगर के अंदर केवल एक ही त्यौहार, एक ही तिथि में, एक ही डेट को और एक ही दिन मनाया जाएगा। ऐसा हमने सभी ब्राह्मणों के साथ चर्चा और विचार विमर्श करके एक योजना तैयार की है। और सनातन धर्म संगठन नगर का सबसे प्राचीनतम संगठन है, जो कि समाज के लिए धार्मिक
तरक्की के लिए, उन्नति के लिए कार्य कर रहा है और मार्गदर्शन सभी साधु संतों का, महात्माओं का, ब्राह्मणों का मार्गदर्शन लेके सनातन धर्म संगठन हमेशा सदैव धार्मिक कार्य करता रहेगा। ये अच्छी बात है, विद्वान अब की बार दूसरे प्रदेशों से भी बुलाए गए हैं ताकि कोई विवाद की स्थिति ना रहे। अब जिस तरह से राम मंदिर के लिए निधि इकट्ठी की जा रही है, राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, इसको लेकर के सनातन धर्म में एक अलग मान्यता है कि भी राम भगवान की, श्री राम की, तो उसको लेकर भी जिस तरह से कई बार त्योहारों पे भी दिक्कतें आती हैं, तो राम मंदिर के लिए भी कुछ यहाँ पे विचार होगा किस तरह? 100% होगा। सनातन धर्म संगठन ने हमारे किशन रेवड़ी जी की अध्यक्षता के अंदर कई बार मीटिंग करी और जो ये निधि इकट्ठी हुई है मंदिर के लिए, उसमें सनातन धर्म संगठन ने पूरे नगर से आह्वान किया, अपितु पूरे नगर से नहीं अपितु पूरे हरियाणा के अंदर हमारे प्रधान जी ने आह्वान किया था कि सहज रूप से जिसकी जितनी श्रद्धा हो वो राम निधि के लिए अयोध्या के लिए निकले, और नगर ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पानीपत नगर सर्वाधिक निधि इकट्ठा करने में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।